हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी बायो लैब में। आज हम 11th क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे टेस्ट फॉर ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट टू शो देयर प्रेजेंस इन सूटेबल प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। तो प्लांट और एनिमल मटेरियल के अंदर इनकी अपन क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन चेक करेंगे। तो अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो टेस्ट ट्यूब चाहिएगी, फनल, बीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बर्नर, फिल्टर पेपर और अपने को रिएजेंट चाहिएंगे। तो वन बाय वन अपन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का टेस्ट हम किस तरह से करते हैं इसको समझेंगे, हम पहले लिख लेते हैं। ग्लूकोज के कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं बेनेडिक रिएजेंट टेस्ट और अपना फेलिंग टेस्ट। तो बेनेडिक रिएजेंट टेस्ट किस तरह से करना होता है, जो हमारे पास पेस्ट बनाए हमने बनाना का, हम एप्पल का भी जूस या उसका पेस्ट बना सकते हैं और अपना ग्रेप्स ले सकते हैं, इन सब में अपना ग्लूकोज होता है। तो हमने लिए हैं बनाना का पेस्ट तैयार किया है और इसके अंदर हम बेनेडिक सॉल्यूशन मिलाते हैं और उसको जब हम गर्म करते हैं तो अपने पास क्या आता है, ग्रीन पीपीटी टेस्ट ट्यूब के अंदर आती है और थोड़ा टाइम बाद वो क्या होती है, ऑरेंज कलर के अंदर चेंज हो जाती है। तो अपना बेनेडिक जो टेस्ट है कंफर्म होता है, यानी अपना ग्लूकोज प्रेजेंट है। यस, हमने लिया है एक अच्छा सा पका हुआ बनाना। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं। तो वॉच ग्लास में हमने थोड़ा सा लेकर के उसको पेस्ट बनाने के लिए इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से इसको हम अच्छा से दबा देते हैं और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। फिर आगे हम उससे हम टेस्टिंग करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर वाटर भी ऐड करेंगे तो ताकि जो है इसका पेस्ट अच्छा से बन जाए। तो डिस्टिल वाटर हमने ऐड किया और हम पेस्टल की हेल्प से इसको प्रेस कर रहे हैं तो इजीली इसका पेस्ट तैयार हो रहा है। इस तरह से देखिए ये पेस्ट तैयार हो गया है और इसको हम टेस्ट में यूज़ में लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं स्पैचुला की हेल्प से और इसके अंदर हम मिलाएंगे अपना बेनेडिक सॉल्यूशन। तो हमने जब बनाना का पेस्ट लेकर के इसमें बेनेडिक सॉल्यूशन मिलाया तो अभी इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसको हमें थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो हम बर्नर पर इसे हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर ग्रीन कलर आएगा और ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये अपना ब्लू से ग्रीन हो गई। और थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो अपना ये ऑरेंज कलर में चेंज हो गया है, देख पा रहे हैं अपना ऑरेंज कलर आ गया है, यानी अपना जो पेस्ट लिया है इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अपना ग्लूकोज जो है कंफर्म होता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करने के लिए जो हमने पेस्ट बनाया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले फेलिंग सॉल्यूशन ए मिलाते हैं, फिर उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन बी मिलाते हैं और टेस्ट ट्यूब को हम गर्म करते हैं तो अपने पास ब्रिक रेड पीपीटी आती है, यानी अपना ईंट के जैसा लाल रंग इसके अंदर दिखाई देता है। तो अपना ग्लूकोज कन्फर्म होता है। टेस्ट ट्यूब में हम बनाना से तैयार किया हुआ जो पेस्ट है उसको लेते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं ये अपना पेस्ट और इसके अंदर हम मिलाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन। पहले हम मिला रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो टेस्ट ट्यूब में हम फेलिंग ए मिला रहे हैं और इसको देखिए फिर हम जो है फेलिंग बी मिलाएंगे उतनी क्वांटिटी में और दोनों फेलिंग सॉल्यूशन मिला देते हैं इस तरह से। तो जैसे ही ए के अंदर बी मिलाते हैं तो ये अपना डार्क ब्लू कलर आता है, ये अपना नॉर्मली दोनों फेलिंग सॉल्यूशन को मिलाने पर ही आता है। तो अब अपना जो पेस्ट है उसकी रिएक्शन इससे होने चाहिए, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रिक रेड कलर आएगा, यानी डार्क लाल कलर ईंट की तरह। तो देखिए इसकी जो वॉल है, टेस्ट ट्यूब की जो दीवार है, वहाँ पे कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है।
और बॉटम में रेड होना देखिए, अपनी पूरी टेस्ट ट्यूब लाल हो गई है, तो गहरा लाल कलर इसके अंदर आ गया है। अपना टेस्ट किया है, पॉजिटिव है, और बिल्कुल जब अपना बॉटम है बर्नर का उसके जैसा ही देखिए लाल कलर आ गया है, तो अपना ग्लूकोज कंफर्म होता है। तो इजीली इन दोनों टेस्ट की हेल्प से अपन ग्लूकोज को कंफर्म किए हैं।